दूसरे विधायक चेतन रूड़ी जी, महेंद्र गहलोत जी, जागीर पेशावर जी हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, रामविलास चौधरी जी, सदबी चौधरी जी, जय वडील जी, बाबू खां वगैरह जी, राहुल भागर जी, राम जी, नंद सोनानी जी, हेमाराम जी, सिराज खान साहब, हेमाराम जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सब साथी बैठे हैं यहाँ पर हमारे। सबसे पहले मैं एक बार पुनः बीजवाड़ा को, बीजवाड़ा जिला बनने पर आप तमाम लोगों में बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ। जिला बनना बहुत बड़ी बात होती है, जिले की कल्पना किसी ने नहीं की होगी, ना किसी ने मांग की होगी। बिना मांगे हुए देना बहुत बड़ी बात। आप बहुत बच्ची हैं, चेतन रूड़ी जैसा आपको नौजवान मिला है, जो जब से आपने इनको चुना है तब से मैं देखता हूँ कि पूरी तरह निर्णय में समर्पित है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई काम हो, विकास का हो। अब चार कॉलेज बनवा दी इसने। चार्टी कॉलेज बनना एक विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी ने सपना देखा ही नहीं होगा। आप सोच सकते हैं सरकार का काम करने का तरीका वो रहा है, गुड गवर्नेंस का, इसके कारण से सारे फैसले हो गए हैं। और शिक्षा में हम सिरमौर है, सारी वो संस्था जो देश के लिए बहुत जरूरी होती है वो राजस्थान आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर में आ गया, कृषि विश्वविद्यालय 4-5 खुल गए, करीब 96 विश्वविद्यालय खुल गए राजस्थान के अंदर। 96 शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। छात्रों का ये समाज भी हो रहा है, विशेष ध्यान रख रहे हैं छात्रों का, नौजवानों का। 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं हम लोग। और तो और छात्रों में अनुपति योजना चलाई है, जिसके पास साधन नहीं है एक परिवार के अंदर। 30 लाख छात्रों को अनुपति योजना में हम लोग कोचिंग लगा रहे हैं। गाँव-गाँव में महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल खोल दी। इंग्लिश स्कूल खोलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में मैं खुद ही खिलाफ था अंग्रेजी के। अंग्रेजी क्या काम है? आज जमाना बदल गया है। राजीव गांधी सपना देखा करते थे, कंप्यूटर का लोग समझ नहीं पाते उस वक्त। और कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवा ने पूरी सोच बदल दी है। दुनिया भर की जानकारी आपके मुट्ठी के अंदर है। इस सोच के साथ में हम चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आज जो है उसी छोर को साथ में देखा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो इंग्लिश है। मुझे खुशी है गाँव वालों ने फैसला लिया। आज 6 लाख बच्चे जो है वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे पास। और अभी बच्चे मिले मुझे नीचे काउंटर पर, क्या शानदार इंग्लिश बोल रही थी, कुछ कल्पना नहीं कर सकता। मेरा सपना है कि 5-7 साल बाद देखेंगे आप लोग, जिसको 2030 में बनाया है, 30 मिलियन तक आप देखेंगे बच्चे राजस्थान के एकमात्र देश के अंदर। अब तो मैं समझता हूँ कि हमने जो कई योजना लागू की है, कानून पास किए हैं, वो अन्य राज्यों में शुरू हो गए हैं, वो भी शुरू कर रहे हैं हमारी योजनाओं को, वो भी लागू कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि राजस्थान को राज्य बन गया है, चाहे OPS तो नहीं हो, कर्मचारी मिले। OPS को लेकर भी राजस्थान के कर्मचारी जो है पूरे देश के कर्मचारियों में सम्मान का पात्र बन गया है। राजस्थान सरकार ने पहली सरकार राजस्थान की लागू की है मानव दृष्टिकोण से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तमाम योजना शानदार हमारी चल रही है। ये कानून में पास किए जी चर्चा पूरे देश में हो रही है। शिक्षा में साथ में हम लोगों ने कानून बना दिया है, राइट टू हेल्थ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और दौर कानून जो है आपका 25 लाख का बीमा कहीं नहीं दुनिया के अंदर, राजस्थान के अंदर है। हम लोग केंद्र से मांग करते हैं आपको चाहिए कि आप भी राजस्थान के जो मॉडल है वो स्कीमों का उनका अध्ययन करवाओ, केंद्र में लागू करो। हम लेट को लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 500 रुपये 30,000 रुपये कर दिए सरकार ने। बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, विधवाओं को, वेतन नारी को, विसर्जनों को अभी स्कूटी बांटी जा रही है नीचे। कहने का मतलब ये कि हमने तमाम वो काम किए। हम चाहते हैं 2030 तक जो सुझाव आएंगे राजस्थानवासियों से आधा बना के मिशन डॉक्यूमेंट जारी होगा और जल्दी जारी होगा, आधार बन जाएगा। आगे भविष्य में राजस्थान की दिशा में जाए, किस क्षेत्र में क्या विकास हो, शिक्षा में क्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या और सुविधा मिले। अभी मुझे खुशी हुई आपका हिप रिप्लेसमेंट जो होता है बीजवाड़ा के अंदर, अगर रिप्लेसमेंट होने लग गए हैं आप सोच सकते हो कि जिला मुख्यालय बन गया आपका। जिला मुख्यालय तमाम सुविधाएं आने वाले वक्त में आपको मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमने 3-4 महीने में जिले बनाने की घोषणा करी, लागू भी कर दिया। पिछली गवर्नमेंट एक जिला बना था प्रतापगढ़, 1 साल लग गया उसको घोषणा लागू करने के अंदर। जिस गति से आपका जिला बना है, एसपी में आया है, कलेक्टर एसपी लग गए हैं, उसी स्पीड से आप देखेंगे जिला के मुख्यालय सुविधाएं भी जो है सुविधाएं उसी ढंग से मिलेगी आपको। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। जिला आपका उद्यामन और बीजवाड़ा जिला है और जिला मुख्यालय क्या बने वो मांग करें हमारे बने। बीजवाड़ा उद्यामन नाम है, वो कहते हमारे यहाँ बने, आप कहते हमारे यहाँ बने। ये हमारी मुश्किल बनी हुई है, या तो दूसरे जिले बनाओ, अगली बार उनको कैसे बना दो। वो कहते जिला नाम रखो, जिले हो रही मुख्यालय हमारे यहाँ बने। ये हमारे लिए कम हो रही है। और तो और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल राठौड़ कह रहा है अगर सरकार हमारी आई तो नए जिले बने उसकी हम समीक्षा करवाएंगे। अब महसूस कीजिए, समीक्षा करने का स्टेटमेंट देना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो तय कर रखा है जितना छोटा जिला होगा उतना ही ज़्यादा प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, अधिकारियों की भी। आम जनता जो है उनको न्याय सुनिश्चित होगा। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाओ आप जिला मुख्यालय में काम करवाने के लिए, ये भी तकलीफ होती है आदमी को। कितनी बार जाए बस के अंदर, वापस आ रहा जा रहा है, अनावश्यक परेशान होता है, कई बार रास्ते मशीन हो जाते हैं। आज जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। हमारी नीति है जैसा भी मैंने 33 से 50 कर दी जिले। अब आप सोच सकते हो बाहर वालों को जाना नहीं पड़ेगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा, नजदीक में जिला मुख्यालय बन गया उनका। कि तहसीलें उठेंगे बनेगी, एडीओ ऑफिस बनेंगे, नगर पालिका बनेगी, प्रशासनिक मशीनें चुस्त हो जाएगी और गुड गवर्नेंस होगी आपके वहाँ। इसकी में सरकार बनाती है शानदार, लागू नहीं पाती जिले के अंदर। अब आप देखेंगे अब आने वाले फ्यूचर के अंदर आपकी शानदार स्कीम में घोषणा भी होगी और साथ लागू होने का तरीका जो है वो आपका बहुत ही दुरुस्त हो जाएगा, जिससे कि आप समय पर स्कीमों का लाभ गांव में भी और ढाणी में बैठा व्यक्ति ले सके। ये हमारी सोच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी सोच को आधार बना के हम आगे चलना चाहते हैं। तमाम स्कीमों का लाभ मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। कई बार अभी महंगाई राहत शिविर में लगाए, मुझे खुशी है सबने भाग लिया। एक के बढ़ के एक योजना उसके अंदर है। बेनिफिशरी जो है 7 करोड़ 80 लाख के लगभग कार्ड में बांटे हैं और 1 करोड़ 82 लाख परिवारों को बेनिफिट मिला उसके अंदर। उसमें 100 यूनिट बिजली भी है। अभी नीचे मुझे बताया गया 2 लाख लोगों को आपके बीजवाड़ा के अंदर बिजली के बिल शुरू आने लग गया है। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे मुझे नीचे, तो आप सोच सकते हैं कि किसानों में 2000 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। नगर पालिका है वहाँ पर, नरेगा के अंदर रोजगार शुरू हो गया है। तो इसकी मैंने बनाई है। और जो लंबी रोड़ा है गाय मर गई थी, और देखिएगा एक गाय का 40,000 रुपये हिंदुस्तान में कहीं पेमेंट नहीं हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने पशुपालकों को जिनकी गाय मर गई थी उनको हमने बैंकों में 40,000 रुपये दिए एक गाय मरने पर। ये हमारी सोच है। आगे काम जन योजना लागू कर रहे हैं। जो 2 गाय या भैंस किसी परिवार में है उन सबका बीमा किया जाएगा, सरकार प्रीमियम भरेगी, आपको एक नया पैसा जमा निकालना पड़ेगा। पशुओं का इलाज फ्री हो रहा है, दवाएं हम दे रहे हैं। आदमियों की तरह पशुओं का इलाज भी फ्री करने का मैंने पिछले टाइम के अंदर घोषणा करी थी, वो लागू आज भी है। और जो सशक्त करेंगे जिससे कि पशुपालन में दो, अभी हमने पहले 2 रुपये दे रहे थे, 5 रुपये दे रहे हम लोग प्रति लीटर बोनस। आपको खुशी होगी दान करके। दूध उत्पादन में हमने प्रोत्साहन दिया, पशुपालकों को दवाएं फ्री करी, ध्यान रखा पशुओं का। अब जो पहले यूपी था, अब देश में राजस्थान नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन के अंदर। हमारे खुशी की बात होनी चाहिए। आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत हो रहे हैं। आर्थिक रूप से हम लोग उत्तर भारत नंबर 1 आ गए हैं आर्थिक विकास दर के अंदर। हमारे विपक्षी साथी कहते हैं कर्जा लेकर के दिवालिया कर देंगे राजस्थान को, ऐसी स्कीम बना रहे। तालिबान बांट रहे हैं, अन्नपूर्णा किट बांट रहे हैं, ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए। इनको पूछो आपके वक्त में 5 साल में आपने क्या काम किया। और महंगाई बहुत भयंकर है, हर परिवार को राहत मिले महंगाई से, ये तजवीज हमारी है। इसलिए हमने स्कीम बनाई है। पहला मीडिया हमारा शानदार है, जिससे प्रबंध हमारा शानदार है। कर्जा 1 लाख रुपये नहीं ले सकते हम लोग बिना केंद्र सरकार की परमिशन के। आपको मालूम होगा कोई भी राज्य सरकार 1 लाख कर्जा भी नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की परमिशन के। और केंद्र सरकार उतनी पेमेंट करती है करने के लिए जितनी आज वित्तीय क्षमता है। आप सोच सकते हैं, ये बात इनको मालूम नहीं है क्या? मालूम है। कर्जा हर गवर्नमेंट लेती है देश के अंदर, कर्जा लेती केंद्र सरकार लेती है। जब सरकार आई थी एनडीए गवर्नमेंट 9 साल पहले मोदी जी की, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज आपको मालूम कितना हो गया? 1,55,00,000 का कर्जा हो गया है भारत सरकार का। तो ये जो गुमराह करने के लग गए हैं, इससे घबरा गए, बोखला गए हैं। हमारी योजनाओं से, हमारी स्कीमों से, हमारे कानून पास करने से, सुविधा देने से, इनके बाद कहने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है कहने के लिए। अब आप गुमराह लोगों को करो, देखिए तो दिवालिया कर देंगे राजस्थान में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इनसे सावधान रहें। इन लोगों से कोई दम नहीं है जो कह सकता है कि जिला बनाया है उनको हम समीक्षा करेंगे। इससे दूसरी बात क्या हो सकती है? ये नहीं कहा हम आएंगे तो हम और ज़्यादा जिले बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारी गवर्नमेंट आएगी और जो मांगे हैं जिलों की, जहाँ जिला बनने लायक होगा हमने कमेटी बनाई है बाकायदा, पूरी रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद जिले की घोषणा होती है। हम चाहेंगे जितना एरिया कम होगा उतना दूर जाना पड़ेगा आईटी ऑफिस के लिए, कलेक्ट्रेट के लिए, एसपी मिलने के लिए या जिला अधिकारी मिलने के लिए, कोई विभाग के जो नहीं हो। अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं जानता हूँ बात, राजस्थान का वैसे ही राजस्थान देश में नंबर 1 राज्य है। सबसे बड़ा राज्य देश के अंदर कौन सा है? राजस्थान है। एरिया की दृष्टि से आप सोच सकते हो राजस्थान में तो और जिले की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब मौका लगेगा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। और भी जिले बनेंगे, सरकारी मशीनरी को मजबूत करेंगे। उसी रूप में हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें। गुड गवर्नेंस से ही मैं समझता हूँ कि देश में नंबर 1 राज्य, सबसे बड़ा राज्य देश में कौन सा है? राजस्थान है। ये आप बोल सकते हो राजस्थान में तो और जिले की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब मौका लगेगा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। में गवर्नमेंट में